मेरे प्यारे भाइयों और मोहतरम बहनों, ये दुआ बहुत प्यारी है। इसे सुकून से सुनें और दिल में आमीन कहें और इसे दूसरों तक पहुंचाएं। हो सकता है कि दूसरे लोगों की आमीन से अपनी दुआ कबूल हो जाए। आमीन। और अगर आप हमारी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट्स में अपना नाम लिख दें। अय अल्लाह रब्बुल इज्जत, अय सारी कायनात के शहंशाह, अय सारी मखलूक के पालने वाले, अय जिंदगी मौत का फैसला करने वाले, अय आसमानों और जमीनों के मालिक, अय पहाड़ों और समंदरों के मालिक, अय इंसानों और जिन्नात के माबूद, अय अर्श अजीम के मालिक, अय फरिश्तों के माबूद, अय इज्जत व जिल्लत के मालिक, अय बीमारों को शिफा देने वाले, अय बादशाहों के बादशाह, अय अल्लाह हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तेरे खताकार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारी खताओं को मुआफ़ फरमा। अय अल्लाह हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों खताओं और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। अय अल्लाह रब्बुल इज्जत हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। अय अल्लाह हम गुनहगार हैं, स्याहकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, नाशुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई तारीफ के लायक नहीं। हमारे माबूद हमारे गुनाह तेरी रहमत से